सब्सक्राइब करिए रेसिपीज विद गायत्री चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो एवरीवन, रेसिपीज विद गायत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फूल गोभी का पराठा। एक बाउल गेहूं का आटा है जो हमने 10 मिनट पहले गूंद के रख लिया है। 250 ग्राम फूल गोभी है। एक प्याज है जो कद्दूकस करके हमने निचोड़ के रख लिया। कद्दूकस किया अदरक है 2 इंच। 4 हरी मिर्च है जो बारीक काट के रखी है। हरा धनिया है जो हमने काट के रखा है। 6 लहसुन की कलियां है जो हमने कूट के रखी है। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। 1 चम्मच धनिया पाउडर है। आधा चम्मच क्रश्ड अजवाइन है। आधा चम्मच गरम मसाला है। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर है। 1 पिंच हींग है। नमक टेस्ट के अनुसार। अब हम सबसे पहले कद्दूकस से गोभी कस लेते हैं। ये डंडी हमने हटा दी तो गोभी पूरी कस ली। प्याज डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, लहसुन डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, हींग डालेंगे। हींग से टेस्ट अच्छा आता है। ये अजवाइन है जो खाने को डाइजेस्ट करती है, इसे डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे। सबको मिक्स करेंगे। सारी सामग्री अच्छी तरह से मिक्स कर ली। नमक इसलिए लास्ट में डालते हैं क्योंकि गोभी में नमक डालने से पानी छोड़ती है। स्टफिंग रेडी हो गई, अब पराठा बनाएंगे। पराठे के लिए लोई तोड़ लेते हैं। थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसे थोड़ा बड़ा करेंगे। स्टफिंग भरेंगे। धीरे धीरे दबाएंगे। सूखा आटा लगाएंगे। अब इसे ऐसे दबाएंगे साइड साइड से। सूखा आटा लगा के अब इसे बेल लेते हैं। अब ये पराठा तैयार हो गया। अब दूसरा पराठा बना लेते हैं। तवा गरम हो गया और इसमें पराठा डालेंगे। पलट लेते हैं। अब घी लगाएंगे। दूसरी साइड घी लगाएंगे। अच्छी तरीके से सेकेंगे। स्लो फ्लेम पे सेकना चाहिए पराठे। अब इसे पलट लेते हैं। वाह, अच्छा सिक गया। अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट पर और दूसरा पराठा डालेंगे। पलट लेते हैं। अब इसे घी लगाएंगे।
दूसरी साइड भी लगाएंगे। इसी तरह सारे पराठे तैयार कर लेते हैं। अगर आपको गोभी पराठा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।